हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.9 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने इसे लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसका फेस्टिव पार्ट है। 10x इज इक्वल्स टू 24/7। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमसे जो वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो कह रहा है कि साइन 2x, कोस 2x और टेन 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन 2x का हमें डायरेक्ट पता है कि इसका जो रिलेशन है वो किससे है भाई, टेन से है। तो टेन से है तो किसके इक्वल होता है, 2 tan x / 1 tan²x। तो बोलिए बेटा, 10x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी ऐसे ही कोस 2x फाइंड करवा रहा है, तो कोस 2x इक्वल होता है 1 - tan²x / 1 tan²x के। 10x की जो वैल्यू है वो उठा के इसमें पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास tan 2x है, वो भी प्योर 10 में इक्वल होता है, तो ये 2 tan x हो गया, अपॉन में हमारे पास 1 - tan²x बन जाएगा। तो इन सब में आपको 10x की वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसी के सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, तो वहाँ भी 10x की वैल्यू गिवन है, जो कि इक्वल है किसके, 3/4 के, और ये कह रहा है π < x < 3π/2। अब इसका मीनिंग भी वही है हमारे पास, क्या बन रहा है भाई, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई करवा रहे हैं। अब की बार वैल्यू फाइंड करवा रहा है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। देखिए, a से a/2 हाफ में आ रहा है हमारे पास, तो इसके लिए ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें फॉर्मूले जो हमारे पास थे उनकी हेल्प से हमें बनाना है। किसकी हेल्प से भाई, जो फॉर्मूले थे उनकी हेल्प से कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे हम लोग। आपको बताया गया था कि 1 - cos x है वो इक्वल होगा 2 sin²x/2, क्योंकि 1 - cos x या 1 - cos 2a है वो 2 sin²a के इक्वल होता है। 2a है तो a होता है, x है तो x/2। यहाँ से क्या बना, 1 - cos x / 2 इज इक्वल्स टू sin²x/2। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो sin x/2 का फॉर्मूला बन गया +√1 - cos x/2। क्या बन गया भाई, +√1 - cos x/2। साथ ही साथ पैरेलल में कोस का फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, 1 + cos x है वो इक्वल होता है 2 cos²x/2 के भाई। 2 को इधर भेज दोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो cos x/2 किसके इक्वल बनेगा, +√1 + cos x/2 के इक्वल बनेगा। अब यहाँ कंडीशन हमारे पास क्या क्या है कि हमें इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए cos x की ज़रूरत है भाई। cos x की वैल्यू है नहीं, वैल्यू किसकी है, 10x की है। 10x की हेल्प से आप लोग secant x को फाइंड कर दो, तो secant x इक्वल बनेगा किसके भाई, √1 + tan²x। साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि आपका x कहाँ लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो secant x माइनस का हो जाएगा, जो कि माइनस में √1 + 9/16। 16 + 9 = 25, -5/4 आ गया। हमें तो कोस एक्स चाहिए, कोस एक्स तो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, -4/5 आ गया। क्लियर है सभी को। अब ध्यान दीजिए, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई मीन्स 180 डिग्री, < x < 270। हमें x/2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, 90 < x / 2 से डिवाइड कर रहे हो भाई, 135। अब 90 to 135 कहाँ से, 90 to 135 तो आपके इस क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई। तो ये x/2 कहाँ लाई कर रहा है, x/2 लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, x/2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके साइन सेलेक्ट करने हैं आप लोगों को, और साइन सेलेक्ट करेंगे तो साइन x/2 है वो आपका इक्वल बनेगा किसके भाई,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ओनली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। वन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस फोर अपॉन फाइव है भाई, किसके इक्वल है, माइनस फोर अपॉन फाइव के, पुट कर दो माइनस माइनस, प्लस फोर अपॉन फाइव अपॉन में टू है, और ये बन गया अंडर रूट फाइव प्लस में फोर नाइन, नाइन अपॉन में फाइव इंटू में टू है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो नाइन तो रूट से फ्री कर सकते हैं, थ्री अपॉन में रूट टेन आ गए। ऐसे ही जब कोस एक्स बाई टू को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो एक्स बाई टू तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोस तो नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा भाई, रूट ऑफ वन प्लस कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस फाइव अपॉन फोर है भाई, तो कोस एक्स की वैल्यू रख दी अपॉन में, अपने पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, फाइव माइनस फोर वन हो गया, अपॉन में टू इंटू फाइव टेन हो गया, तो अन रूट वन अपॉन टेन बन गया, जो कि माइनस का वन अपॉन रूट टेन आ गया। क्या आ गया, माइनस का वन अपॉन में रूट टेन। जब साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू की वैल्यू आ चुकी है तो टेन एक्स बाई टू फाइंड करने में तो हमें एक सेकेंड भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, अपने आप जहाँ ये एंगल लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू बन रही है हमारे पास थ्री अपॉन में रूट टेन डिवाइड बाई माइनस वन अपॉन में रूट टेन, रूट टेन से रूट टेन डिवाइड हो गया और किसके इक्वल आ गया, माइनस थ्री के इक्वल आ गया। तो ये साइन एक्स बाई टू है, ये कोस एक्स बाई टू है, और ये आपका टेन है एक्स बाई टू है। कर लेंगे भाई सभी इसको। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर थर्ड है, और थर्ड पार्ट में तो देखिए और भी सुविधा है। क्या है भाई, डायरेक्ट कोस एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ भी एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है, काला ही कर एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स का तो डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ क्या था, माइनस था, माइनस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे, अगर सेकेंड पार्ट कर लेते हो तो थर्ड में हमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में कह रहा है इफ़ कोस एक्स इज इक्वल्स टू, कोस एक्स की वैल्यू गीवन है भाई, क्या है, वन अपॉन टू इंटू ए प्लस वन अपॉन ए, ये गीवन है अपने पास। शो दैट कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में टू इंटू में ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर, भाई कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू, ये आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोस टू एक्स है, इसको आपको टू ए के जो एंगल्स है, जो मल्टीपल एंगल्स है, उनमें कन्वर्ट करना है। लेकिन वैल्यू किसकी गिवन है, कोस की गिवन है, तो कोस टू ए का वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो प्योर कोस में होता है, किसके इक्वल होगा भाई, टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में वन, तो रख दो कोस एक्स की वैल्यू इसमें, टू इंटू में वन अपॉन टू इंटू ए प्लस वन अपॉन ए और इस कंप्लीट का स्क्वेयर, ये तो टू कोस स्क्वेयर एक्स हो गया, माइनस में क्या आना है, वन आना है। तो यहाँ से देखिए टू इंटू में वन अपॉन टू का स्क्वेयर वन अपॉन फोर प्लस ए प्लस वन अपॉन में ए का होल स्क्वेयर, माइनस में कितना है, वन है। तो क्या बना भाई, इससे ये टू पे तो डिवाइड हुआ, वन अपॉन टू बाहर आ गया, अंदर इस होल स्क्वेयर को एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर और प्लस में टू आ जाएगा, क्योंकि टू इंटू ए इंटू वन अपॉन ए से वन अपॉन ए है तो वो ए डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया, माइनस में कितना है, वन है, तो एलसीएम ले लो यहाँ से, वन अपॉन में टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर और प्लस में वन अपॉन टू इंटू टू वन हो गया, माइनस का वन है, ये कैंसिल हो जाएगा, और वन अपॉन में टू ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर के इक्वल अपना जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया भाई, आर एच एस के इक्वल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ में काफ़ी पार्ट से सभी में कह रहा है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये समझ लो फिफ्थ क्वेश्चन का हर पार्ट आपका ट्वेल्थ क्लास में यूज होना है भाई, और ट्वेल्थ क्लास में यूज होना है तो ध्यान दे सकते हो। फेस्टिव पार्ट में ये कह रहा है प्रूव दैट साइन टू एक्स अपॉन में वन प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स। अब रिजल्ट याद है तो भाई बिना हथियारों के देखो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती,
जो हमारे जो हथियार है वो फॉर्मूले हैं। जब तक इन फॉर्मूलों को हम लोग अच्छे से याद नहीं करेंगे, इनको रीड नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, साइन टू एक्स, साइन टू ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टू साइन एक्स इन टू में कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू ए, टू कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। टू से टू डिवाइड हो गया, कोस एक्स से वन पावर लेस होगी, क्या बना साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, जो कि इक्वल्स टू क्या आ गया टेन एक्स, और टेन एक्स के इक्वल है तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ऐसा ही बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है, एक सेकंड भी परेशानी नहीं होनी हमें। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है वन माइनस में कोस टू एक्स अपॉन में वन प्लस में कोस टू एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स वाई, ये प्रूव करना है। तो यहाँ भी वही रिजल्ट अप्लाई कर दो, वन माइनस में कोस टू ए लेफ्ट हैंड साइड लेके, टू साइन स्क्वेयर ए होता है तो एंगल का हाफ हो गया भाई, टू साइन स्क्वेयर ए एक्स बन गया। ऐसे ही डिवाइड वाला टू कोस स्क्वेयर एक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वेयर एक्स है भाई, या राइट ना भी लिखो लेफ्ट लेफ्ट लिख दो आप। टू से टू डिवाइड हो गया, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स हो गया, तो एलसीएम लोगे तो ना सॉरी रूट लोगे, रूट लोगे तो क्या हो जाएगा टेन एक्स के इक्वल आ जाएगा। नहीं रूट इसमें कहाँ से लेंगे भाई, ये तो हो गया टू साइन स्क्वेयर एक्स, ये टू कोस स्क्वेयर एक्स, टू से टू डिवाइड हो गया तो साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स टेन स्क्वेयर एक्स है, जो कि आर एच एस के इक्वल आ गया। रिजल्ट अगर याद है तो आप देख लो फर्स्ट सेकंड पार्ट में कोई हमें परेशानी लग रही हो तो। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर थर्ड है, थर्ड में भी यही अप्लाई करना है भाई, वन प्लस कोस एक्स है तो टू कोस स्क्वेयर एक्स वाई टू, माइनस वाला है तो साइन का लगा दो आप। पार्ट नंबर थर्ड, थर्ड पार्ट में कह रहा है भाई अंडर रूट वन प्लस कोस एक्स अपॉन वन माइनस में कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स वाई टू के इक्वल हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप लोग, रूट ऑफ वन प्लस कोस एक्स है तो टू कोस स्क्वेयर एक्स वाई टू अपॉन टू साइन स्क्वेयर एक्स वाई टू, टू से टू डिवाइड हो गया और रूट के अंदर बन गया भाई कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स, जब दोनों पे ही स्क्वेयर है तो स्क्वेयर से रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, जो कि इक्वल्स टू एक्स वाई टू है भाई, एक्स वाई टू में है तो इक्वल्स टू हो जाएगा कोट एक्स वाई टू, जो कि आर एच एस के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर फोर है भाई ध्यान रखने का, तो फोर्थ जो पार्ट है उसमें कह रहा है वन प्लस में साइन टू एक्स अपॉन वन माइनस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स अपॉन में है वन माइनस साइन टू एक्स इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है टेन स्क्वेयर पाई बाई फोर प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, देखिए वन प्लस साइन या वन माइनस साइन का नहीं, हमारे पास तो वन प्लस कोस और वन माइनस साइन का फॉर्मूला है, और अभी अभी हमने किया है ये वन प्लस कोस अगर ऊपर है और नीचे वन माइनस है तो कोट में आएगा रिजल्ट, ना कि टेन में, और ये टेन में प्रूव करवा रहा है। तो टेन में तो पॉसिबल तब है जब ऊपर वन माइनस कोस और नीचे वन प्लस कोस हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि साइन एक्स से इसको कोस में कन्वर्ट कर देंगे हम, वन प्लस में क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको आप लोग लिख सकते हो भाई साइन टू एक्स है तो साइन टू एक्स है इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कोस में भी कन्वर्ट करूँगा तो किस टर्म के अंदर, कोस पाई वाई टू प्लस टू एक्स। तो ध्यान दीजिए बेटा, कोस पाई वाई टू प्लस टू एक्स है तो आपका क्या बनेगा, माइनस का साइन टू एक्स बनेगा, तो इसके साथ साथ प्लस के साथ साथ यहाँ और क्या लग जाएगी, माइनस लग जाएगी। अपॉन में ऐसा ही डिनोमिनेटर में करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और कोस पाई बाई टू प्लस में टू एक्स लिख सकते हो। देखिए ये चेंज करना कंपलसरी है, यार साइन टू एक्स था तो कोस पाई बाई टू प्लस टू एक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देख लो सोल्व करोगे तो वहीं तो बनेगा हमारे पास रिजल्ट। नेक्स्ट आपका साइन टू एक्स है, इसको भी सेम वहीं लिखा है मैंने, माइनस आएगा उसकी वजह से प्लस हो गया। अब ऊपर देखिए वन माइनस में कोस टू ए, वन माइनस कोस टू ए है तो टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ,
हाफ करोगे एंगल का तो पाई बाई टू का तो पाई बाई फोर हो गया और प्लस में एक्स बन गया। अपॉन में वन प्लस कोस टू ए है और वन प्लस कोस टू ए है तो टू कोस स्क्वायर ए होता है एंगल का हाफ, तो टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स हो गया भाई, टू से टू डिवाइड हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एंगल सेम है तो क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस में एक्स, जो कि आर एच एस के इक्वल आ गया। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ऐसे ही हम लोग जो जो आगे बढ़ेंगे सब में यही रिजल्ट्स आपके हमें फॉलो करने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं। साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कोस एक्स प्लस कोस टू एक्स और इक्वल्स टू, हमसे जो प्रूव करवा रहा है वो टेन एक्स के इक्वल प्रूव करवा रहा है। किसके इक्वल प्रूव करवा रहा है, टेन एक्स के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आप लोग क्या करोगे, साइन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, साइन एक्स प्लस में टू साइन एक्स हो जाएगा और इंटू में कोस एक्स आ जाएगा। बोलो भाई आएगा नहीं। डिनोमिनेटर में आप लोग ध्यान दे सकते हो, जैसे ही मैं न्यूमरेटर से ये कहूँ कि भाई न्यूमरेटर से आप साइन एक्स को कॉमन ले लो तो वन प्लस में टू कोस एक्स बनेगा भाई, क्या बनेगा, वन प्लस में टू कोस है। तो क्या करो, यहाँ से वन प्लस में कोस एक्स प्लस कोस टू एक्स को प्योर कोस में कन्वर्ट कर दो भाई, जो कि टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस में वन होगा। टू से आपका टू कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर से अगर मैं साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस में टू कोस एक्स आ गया भाई। ऐसे ही डिवाइड की बात करें तो आप ध्यान दे सकते हो, कोस एक्स को अगर कॉमन ले लिया जाए तो वन प्लस टू कोस एक्स आ गया, ये इससे डिवाइड हो गया। ये तो आपका एज इट इज रह गया भाई, साइन एक्स और कोस एक्स तो डिवाइड, तो ये फैक्टर हो गया। तो यहाँ से रहा क्या अपने पास, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, जो कि इक्वल हो गया किसके, टेन एक्स के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम यही कंडीशंस है आपकी, लेकिन इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। वन प्लस में साइन टू एक्स माइनस में कोस टू एक्स है और डिवाइड में हमारे पास है वन प्लस में साइन टू एक्स प्लस में कोस टू एक्स है और इक्वल ये भी ओनली टेन एक्स के इक्वल प्रूव करवा रहा है। तो इसमें करो क्या, वन के साथ तो कोस टू एक्स को लिख लो भाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या लिख लो, वन माइनस में कोस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, ऐसे ही डिवाइड में कर दो वन प्लस कोस टू एक्स और प्लस में साइन टू एक्स। यहाँ से दो फॉर्मूले लगा दो बस आप, क्या लगा दो, दो फॉर्मूले। क्या क्या भाई, फर्स्ट में तो वन माइनस में कोस टू एक्स किसके इक्वल होता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स के एंगल का हाफ हो गया भाई। ऐसे ही आपका साइन टू एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो वन प्लस में कोस टू एक्स तो इक्वल हो जाएगा टू कोस स्क्वेयर एक्स के भाई, और साइन टू एक्स को आप लिख सकते हो टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर से तो क्या कॉमन आ रहा है, टू भी कॉमन आ रहा है और साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है। टू साइन एक्स कॉमन ले लूँ मैं तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अंदर रह गया। ऐसे डिनोमिनेटर में देखिए टू कॉमन आ रहा है और कोस एक्स कॉमन आ रहा है, क्या रहा है, टू भी आ रहा है और कोस एक्स भी आ रहा है, तो वन पावर यहाँ रह गई तो यहाँ कोस एक्स रह गया भाई। उसके बाद और क्या कॉमन लिया आपने, टू भी कॉमन ले लिया और कोस एक्स भी, तो प्लस में क्या रह गया, साइन एक्स। तो साइन प्लस कोस कह लो चाहे कोस प्लस साइन कह लो, डिवाइड हो गया टू से टू डिवाइड हो गया और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है वो टेन एक्स के इक्वल हो गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। बोलिए भाई कर सकते हैं नहीं हम इसको। नेक्स्ट अपने पास इसी का थर्ड पार्ट आ रहा है, टू साइन एक्स अपॉन में हमारे पास है भाई टू कोस एक्स। पार्ट नंबर थर्ड पे ध्यान दीजिए आप। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है आपसे, प्रूव दैट टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाई
टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, यहाँ पे टू साइन एक्स का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइन टू एक्स का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं, टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस मैं डिनोमिनेटर में अप्लाई करूँगा, यहाँ भी साइन टू एक्स को टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। न्यूमरेटर से देखिए टू साइन एक्स कॉमन आ रहा है, टू साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो वन माइनस में कोस एक्स बन गया। डिनोमिनेटर में भी टू साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर वन प्लस में कोस एक्स बन गया। टू से टू डिवाइड, कोस एक्स से कोस डिवाइड, वन माइनस में कोस एक्स, टू साइन स्क्वेयर एक्स वाई टू एंगल का हाफ हो जाएगा, वन प्लस कोस एक्स टू कोस स्क्वेयर एक्स वाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर एंगल सेम है तो टेन स्क्वेयर एक्स वाई टू के इक्वल आ गया। ऐसे ही पार्ट नंबर फोर्थ है अपने पास। फोर्थ जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट वन माइनस में साइन एक्स अपॉन में वन प्लस में साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस में एक्स वाई टू इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स, ये प्रूव करना है। तो आप इसको लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, देखिए रूट में वन माइनस साइन वन प्लस में कोस है, हमें रिजल्ट टेन में चाहिए, तो आप इसको वन माइनस में कोस पाई बाई टू माइनस एक्स देखिए लिख सकते हैं, नहीं वन माइनस में कोस ए है ना, ये सॉरी कोस पाई बाई टू माइनस एक्स है तो साइन एक्स के ही तो इक्वल होगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले को वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस में एक्स लिख सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ से, वन माइनस कोस टू ए टू साइन स्क्वेयर और एंगल का हाफ, एंगल का हाफ करोगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी वही टू कोस स्क्वेयर और एंगल का हाफ कर दोगे भाई, टू से टू डिवाइड हो गया, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया और ये टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स बाई टू बन गया। ये तो ये प्रूव कर दिया हमें। जब ये लास्ट वाली थर्ड टर्म प्रूव करनी है वहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स को लेके इसका रैशनलाइजेशन कर दो, वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और वन माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर में तो बन गया वन माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वेयर, क्यों भाई डिनोमिनेटर में हो गया इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स हो गया। न्यूमरेटर वाले का अगर हमें एलसीएम सेपरेट करना चाहें तो क्या बनेगा भाई, वन प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में टू साइन एक्स और अपोन में यहाँ से आ गया कोस स्क्वेयर एक्स, क्या आ गया अपोन में कोस स्क्वेयर एक्स आ गया। प्रूव जो करवा रहा है उसमें किसके इक्वल आना चाहिए भाई, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स आना चाहिए। तो आप इस होल स्क्वेयर को एक्सपेंड ना करें, मेन पॉइंट ये है, इसको एक्सपेंड करने की बजाय आप लोग क्या करो, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर और अपोन में कोस स्क्वेयर एक्स आ गया। अब न्यूमरेटर वाले टर्म का भी स्क्वेयर है डिनोमिनेटर का भी है, तो क्या लिख दोगे, वन माइनस साइन एक्स अपोन में कोस एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब एलसीएम को सेपरेट कर दो, वन अपोन में कोस है वो सीकेंट होता है और साइन अपोन कोस है वो टेन होता है, और क्या गया हमारे पास भाई यहाँ से सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स, क्यों, क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर देखिए अनरूट है भाई, क्या इन सब पे अनरूट है, और अनरूट यहाँ पे रखोगे तो स्क्वेयर से आपका रूट कैंसिल, एलसीएम सेपरेट किया और ये आरएचएस के इक्वल आपका रिजल्ट प्रूव, जो टेंथ क्लास में भी है, कर लेंगे भाई इसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, बाकी आगे नेक्स्ट में करेंगे।